हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी और मेरे चैनल रजनी की रसोई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं एक बहुत ही हेल्दी पालक पनीर सैंडविच यानी स्पिनच और पनीर के सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैं एक पैन ले लूंगी, इसके अंदर मैं डालूंगी तेल। करीबन एक चम्मच ही तेल मैंने इसके अंदर डाला है। तेल के गर्म होते ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। 4 से 5 कलियां लहसुन की मैंने ली थी, चॉप करी थी, और ये इसे मैं सौते कर दूंगी। हल्का सा पिंकिश ब्राउन में लहसुन को फ्राई कर, जैसा आप देख सकते हैं लहसुन के ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी पालक। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल भर के पालक ली है, जैसा आप देख सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से चॉप धोकर चॉप कर दिया था। इसे भी मैं एकदम अच्छे से पका लूंगी जब तक पालक जो है वो सौते नहीं हो जाती है। देखिए 2 या 3 मिनट ही हुए हैं और पालक इतने अच्छे से सौते हो गई है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक, अपने स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच नमक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स के। इसे भी मैं अब मिक्स कर देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये क्रम्बल किया हुआ पनीर और इसे भी मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसके अलावा अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मिक्स्ड हर्ब्स डालने हैं, इटालियन सीजनिंग डालनी है, हरा धनिया का पाउडर डालना है, धनिया मिर्ची, कुछ भी अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सीजनिंग डालनी है तो आप उसे डाल सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं पनीर को तो ज़्यादा बिल्कुल पकाने की और ज़रूरत है ही नहीं। हमारे सैंडविच की एकदम हेल्दी वाली फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। गैस को अब मैं ऑफ कर देती हूँ और ये फिलिंग को पहले मैं ठंडा होने के लिए। दो ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं। यहाँ पर ये जो मेरी फिलिंग बनी थी ये एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है। एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैं एकदम अच्छे से इसे स्प्रेड कर देती हूँ। फिलिंग के ऊपर अब मैं कुछ खीरा और टमाटर रख दूंगी। ये मेरे चॉइस के अकॉर्डिंगली मैं रख रही हूँ। आप लेटस रख सकते हैं, प्याज रख सकते हैं, या कुछ और अगर आप चाहे तो वो भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने सब इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। साथ ही साथ मैं थोड़ी सी चीज इसके ऊपर लगा दूंगी। यहाँ ये जो दूसरी ब्रेड का स्लाइस है इसे मैं इसके ऊपर रख दूंगी और एक सैंडविच ग्रिलर में या तवे के ऊपर मैं इसे अब ग्रिल कर देती हूँ। एक सैंडविच ग्रिलर मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसमें मैंने बटर स्प्रेड कर दिया है। अब ये जो मेरा सैंडविच मैंने तैयार किया था वो इसे मैं इसके ऊपर रख दूंगी और इसे मैं ग्रिल कर दूंगी। रेड लाइट जल गई है, आइए देखते हैं सैंडविच तैयार हुआ है कि नहीं। और ये देखिए जैसा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है। थोड़ा ध्यान से क्योंकि ये गर्म होगा। और ये देखिए ये साइड से भी ये एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इसे मैं एक प्लेट पे निकाल कर सर्व कर देती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।